स्वागत है गाइस टेक वी चैनल पे। तो गाइस Redmi ने लॉन्च करने वाला है 13C 5G और आपको 6 दिसंबर को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब Redmi की जो 13C वाली सीरीज होती है ना, हमेशा 12C भी आप देखोगे ना तो बजट को टारगेट करी जाती है। इसमें दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, 4GB रैम 6GB रैम के आसपास। और जो 6GB रैम जो मैंने देखा था Redmi 12C का, वो 10,000 रुपये के आसपास था। तो जो प्राइस ब्रैकेट है 13C का वो भी इसी के आसपास रहेगा और 10-11,000 रुपये में आपको इसका टॉप वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। प्लस में एक नई चीज़ है, आपको इसके अंदर जो प्रोसेसर मिल रहा है वो है MediaTek Dimensity 6100 प्लस, 5G सपोर्ट करता है, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले जो आते थे फोन 12C वगैरह उसमें 5G नहीं था, तो उन फोनों को मत खरीद लेना जाके, ठीक है? वो सस्ते हो गए हैं बट खरीदा मत जाके। अब ये वाला जो फोन है सबको 5G देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी है, 50MP का प्राइमरी कैमरा है, बाकी 5 या 2 MP कैमरे की बात मैं करूंगा नहीं, ठीक है? जो स्क्रीन मिलेगी आपको LCD मिलेगी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? साउंड वगैरह ठीक है, हेडफोन जैक आपको मिल जाएगा, चार्जर आपको मिल जाएगा, तो सबको कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। तो यदि आप देख रहे थे एक ऐसा फोन जो कि 10,000 रुपये के आसपास हो, तो ये अच्छा ऑप्शन Redmi अभी लॉन्च कर देगा 6 दिसंबर को। और इसमें आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, 4GB रैम और 6GB रैम। 4GB रैम वाला मत लेना, लॉन्ग टर्म के लिए हैंग वैंग करेगा, इश्यूज करेगा। गो फॉर द 6GB रैम वाला जो वेरिएंट रहेगा, आई थिंक वो 11,000 रुपये के आसपास आएगा। और ये पोको का जो M6 Pro आया था ना, उसी को टक्कर देगा, ठीक है? पोको M6 Pro में स्नैपड्रैगन 4Gen 2 का चिपसेट था, हमारे Redmi 13C के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 6100 प्लस। कहते हैं में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इधर कंपेटिटिव स्कोर देखोगे तो दोनों आसपास ही है, 4 लाख के आसपास, तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं। चाहे आप पोको ले लो चाहे Redmi का 13C ले लो, ठीक है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये काफ़ी बजट रेंज का फोन है और काफ़ी अच्छा बनाया है। इसका जो लुक्स वगैरह पोको से अच्छे रखे, ठीक है? तो यदि आपको एक गुड लुकिंग फोन चाहिए, 5G फोन चाहिए, 10,000 रुपये के आसपास चाहिए, और आपको चाहिए कि 6GB रैम हो उसके अंदर, कैमरा भी एक हो 50MP का, बट वो नाम के रहेगा, इतना ऑप्टिमाइजेशन होता नहीं है, बट बैटरी 5000mAh अच्छी चलेगी, आपको चार्जर भी विद इन द बॉक्स मिल जाएगा, तो आप Redmi का 13C डिवाइस देख सकते हो। बाकी जब ये 6 दिसंबर को ऑफिशियल लॉन्च हो जाएगा तो आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। बट यदि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई प्यार दिखाओ, मोहब्बत दिखाओ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और किसी डिवाइस से कंपेयर करना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? तो गाइस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी टाटा, बाय बाय, सी यू।